हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में लाइक रेलवे, एनडीए, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, पीओ, वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नबार्ड फॉर्म, नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही ए है, 12 जुलाई 1982 में नबार्ड का स्थापना हुआ था। और नबार्ड को किसने सजेस्ट किया था? तो मिस्टर वी शिवा रमन जी ने नबार्ड के बारे में सजेस्ट किया था। और नबार्ड का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, मीन्स कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। और नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, नबार्ड का हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई में है। और नबार्ड ये भारत के स्पेशलाइज बैंक में से एक है, जैसे भारत में 3 स्पेशलाइज बैंक है तो उसमें से एक नबार्ड है। और यदि आपसे पूछा जाता है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 में नबार्ड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टेलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही डी है, एंजल फॉल, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसका ऊंचाई अप्रोक्स कितना है? तो 979 मीटर इसका ऊंचाई है। और ये किस कंट्री में है एंजल फॉल? तो ये वेनेजुएला है, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला पड़ता है। और वेनेजुएला का कैपिटल बात करें तो काराकस इसका कैपिटल है वेनेजुएला का। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल। और कुंचिकल फॉल का बात करें तो ये इंडिया में है। और इसका हाइट अप्रोक्स कितना है? तो 445 मीटर इसका ऊंचाई है अप्रोक्स। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल। और ये भारत के किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटका में है कुंचिकल फॉल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल फॉल, ये किस स्टेट में है? तो कर्नाटका में। और ट्यूगेला फॉल की बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसका हाइट अप्रोक्स 948 मीटर है। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ट्यूगेला फॉल। और कडमिया फॉल्स ये मलेशिया में है। बट आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे टेलेस्ट वाटरफॉल, तो एंजल फॉल, ये वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट मंथली सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान मासिक वेतन कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी है, 5 लाख भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान मासिक वेतन है। और यदि आपसे पूछा था उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का मासिक वेतन कितना है, तो 4 लाख उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है। और प्राइम मिनिस्टर का कितना है? तो प्राइम मिनिस्टर का 2.8 लाख मासिक वेतन है मंथली सैलरी प्राइम मिनिस्टर का। और प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिसीव होता है भारत के प्रधानमंत्री को सैलरी। और भारत के गवर्नर का मासिक वेतन कितना है? तो भारत के गवर्नर का 3.5 लाख मासिक सैलरी है भारत के गवर्नर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा था प्रेसिडेंट का कितना है? तो 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन विच आर्टिकल इज दिस मेंशन। जैसा कि यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन विच आर्टिकल मेंशन, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी होगा, आर्टिकल 300 है, अनुच्छेद 300A में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। और आर्टिकल 300A को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 44th अमेंडमेंट के तहत या 44वां संशोधन के तहत आर्टिकल 300A को जोड़ा गया था और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था? तो 44th अमेंडमेंट के तहत। और 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44th अमेंडमेंट हुआ था तो 1978 में। और यदि आर्टिकल 368 का बात करें तो आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल 51 का बात करें तो प्रत्येक नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटी को स्पेसिफाई करता है आर्टिकल 51A। और आर्टिकल 23 का बात करें तो आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध का वर्णन किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बट आपसे पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच कंट्री इज द हिडनबर्ग लाइन लोकेटेड, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी होगा, जर्मनी एंड पोलैंड के मध्य स्थित है हिडनबर्ग रेखा। और नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया 30th पैरेलल के मध्य स्थित है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और फ्रांस एंड जर्मनी ये मेजिनोट रेखा के या मेजिनेट लाइन के बीच स्थित है फ्रांस एंड जर्मनी। और अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ये डुरंड लाइन के बीच या डुरंड रेखा के बीच स्थित है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर। बट आपसे पूछा था हिडनबर्ग, तो ये जर्मनी एंड पोलैंड इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट टूक मैन टू द मून। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चांद पे आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी होगा, अपोलो नाम था चांद पे ले जाने वाले स्पेस शटल का। और यह पहला मानवीय मिशन था जो लैंड किया था मून पे, और पहले चांद पे जाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था, तो नील आर्मस्ट्रांग नाम था पहले व्यक्ति का जो चांद पे पहला कदम पड़ा था, नील आर्मस्ट्रांग का। और दूसरा यदि बात करें तो बज एल्ड्रिन है जो दूसरे व्यक्ति थे चांद पे जाने वाले। अब कब गए थे ये, तो 20 जुलाई 1969 में गया था। और पहला कंट्री अमेरिका, किस देश ने पहली बार चांद पे आदमी को भेजा था, तो अमेरिका ने। यह भी क्वेश्चन बनता है कि किस देश से पहली बार चांद पे जाने वाले व्यक्ति थे, तो अमेरिका से, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। और कौन से स्पेस शटल के द्वारा गए थे, तो अपोलो, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन विच ईयर। नए देश के रूप में बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही डी है, 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश का नए देश के रूप में स्थापना हुआ था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया गया था 1971 में 26 मार्च। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। हड़प्पन सभ्यता का स्थापना कब हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही डी है, 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्थापना हुआ था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्थापना किसने किया था, तो रक्कल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी ने मिलकर दो सिटी का स्थापना किया था, एक हड़प्पन एक मोहनजोदड़ो, दो सिटी को डिस्कवरी किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यदि पूछा जाता है कब डिस्कवर हुआ था, तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही ए है, 1872 में भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था। और इसके बाद ये एवरी 10 ईयर्स में होता है भारत में जनगणना, बट हालांकि ये भारत में कम्प्लीट जनगणना 1881 में कराया गया था। और उसके बाद 1949 में ये गृह मंत्रालय जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं उसके अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है। और 2011 बात करें तो एज ऑफ 2011 उसके अनुसार भारत में अब तक 15 बार जनगणना कराया जा चुका है, और 2021 में ये 16वां जनगणना होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक कितने बार जनगणना या सेंस कंडक्ट हुआ है भारत में, तो इसका सेंस और ऑप्शन ऑप्शन इसका 15 होगा एज ऑफ 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी है, बालदेव सिंह। ये भारत के पहले रक्षा मंत्री, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के। और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बट ये डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे, भारत के तीसरे डिफेंस मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू। और कब बने थे ये, तो 1953 से लेकर 1955 तक इनका कार्यकाल था। और आपसे पूछा था फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो बालदेव सिंह ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्टडी सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत कब हुई थी। स्टडी को हम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग के नाम से भी जानते हैं, इसका शुरुआत भारत में कब हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही बी होगा, 1960 में भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले ये किस शहर में हुई थी, तो ये कानपुर और लखनऊ के बीच में सबसे पहले स्टडी सेवा की शुरुआत हुआ था। और हम ISD बात करें तो हम ISD जिसे ISD को हम इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग में बोलते हैं, इसका शुरुआत भारत में कब हुआ था, तो 1976 में भारत में ISD सेवा की शुरुआत हुआ था। और पहले किस शहर में हुआ था, तो मुंबई एंड लंदन के बीच में ISD सर्विस स्टार्ट हुआ था भारत में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कब हुआ था, तो 1976 में, किस शहर के बीच में सबसे पहला हुआ था, तो मुंबई एंड लंदन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री है द मोस्ट पोस्ट ऑफिसेस। किस देश में सबसे अधिक डाकघर हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही बी सही होगा, भारत। भारत इंडिया में सबसे अधिक डाकघर या पोस्ट ऑफिसेस हैं, अप्रोक्स कितने हैं, तो 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेस हैं भारत में, अप्रोक्स 1,55,000 भारत में डाकघर हैं। और भारत के डाकघर में कितने कर्मचारी लगभग काम करते हैं, तो 4,16,000 अप्रोक्स काम करते हैं भारत के पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये किस देश में सबसे अधिक डाकघर है, तो इंडिया में। और कितने डाकघर है, तो अप्रोक्स 1,55,000 डाकघर है, पोस्ट ऑफिसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पोस्टेज स्टैम्प इशू इन इंडिया। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी होगा, 1854 में भारत में सबसे पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था, 1854 में भारत में सबसे पहली बार इशू किया गया था 1854 में डाक टिकट। तो यह भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मनी ऑर्डर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी है, 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत हुई थी। और मनी ऑर्डर सिस्टम यह पोस्ट ऑफिस द्वारा पूर्व निर्दिष्ट राशि के पेमेंट के लिए जारी किया गया एक आदेश है, मनी ऑर्डर सिस्टम। और इसकी शुरुआत 1880 में भारत में हुई थी। और मनी ऑर्डर सिस्टम यह सबसे पहले किस देश में शुरुआत हुई थी? यह ग्रेट ब्रिटेन में एक प्राइवेट फर्म कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ग्रेट ब्रिटेन में यह मनी ऑर्डर प्रणाली कब शुरुआत हुआ था? तो 1792 में ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी 1792 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बार मनी ऑर्डर कब शुरुआत हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में? तो 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विच चाइना। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका ए सही है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ये चाइना के साथ अपना बॉर्डर लगाता है। तो कितना बॉर्डर लगता है किन्नौर का? तो अप्रोक्स 140 किलोमीटर लगता है। और हम इंडिया चाइना का बॉर्डर बात करें तो 3488 किलोमीटर लगता है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। और ये सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर है इंडिया चाइना का, 3488। और कौन कौन राज्य लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये चार राज्य। और एक यूटी जिसे लद्दाख कहते हैं, यह लद्दाख का चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। और लद्दाख का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, अप्रोक्स 1597 किलोमीटर। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बनता है कि विच स्टेट या यूटी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर विद चाइना। इसका सही आंसर होगा लद्दाख, लद्दाख का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। और कितना लगता है इंडिया चाइना का बॉर्डर? तो 3488 किलोमीटर। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर करता है? तो किन्नौर। और हिमाचल प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है जिसे लाहौल और स्पीति के नाम से जानते हैं। दो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है किन्नौर एक, लाहौल और स्पीति। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाई द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी सही है, 1950 में भारत का प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ था। 1950 15 मार्च 1950 को यूनियन कैबिनेट द्वारा एक रेजुलेशन द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। और इसके हेड कौन होते हैं? तो इसके हेड पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं प्लानिंग कमीशन के। बट 13 अगस्त 2014 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। और नीति आयोग यह भारत का एक थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग का स्थापना हुआ है 2014 में 13 अगस्त को। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे खत्म कर दिया गया 2014 में और इसकी जगह पर नीति आयोग का स्थापना हुआ। और आपसे पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में 15 मार्च 1950 को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच व्हीकल डिड इंडिया लॉन्च 104 सेटेलाइट्स इन 2017। 2017 में भारत ने 104 सेटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही ए है, PSLV C-37 जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, इसके द्वारा भारत ने 104 सैटेलाइट 2017 में लॉन्च किया था, 104 सैटेलाइट। और GSLV Mark 3 M1 का बात करें तो इसके द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में, 22 जुलाई 2019 में। और COSMOS 3 M का बात करें तो इसके द्वारा भारत का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, एक रशियन व्हीकल है स्पेस सैटेलाइट, इसके द्वारा भारत का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था भारत का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। और PSLV C-11 का बात करें तो ये इसके द्वारा भारत का पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 2008 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत 2017 में 104 सैटेलाइट किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन इसका ए सही होगा, PSLV C-37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी है, यूरी गागरिन ये पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अब कब गए थे ये? तो 12 अप्रैल 1961 में गए थे, ये पहले व्यक्ति थे। और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये रशिया को बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले किस देश में अंतरिक्ष में मानव को भेजा था? तो रशिया ने सबसे पहली बार मानव को भेजा था अंतरिक्ष में, यूरी गागरिन गए थे। और एलन शेवर्ट का बात करी थी, ये दूसरे मेल थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये कब गए थे? तो ये भी 1961 में गए थे, बट ये अमेरिका को बिलोंग करते हैं। ये दूसरे मेल थे अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेस में। और वेलेंटीना तेरेश्कोवा का बात करी थी, फर्स्ट फीमेल थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ये किस कंट्री को बिलोंग करती है? तो ये भी रशिया को बिलोंग करती है।
और ये कब गई थी, तो ये 1963 में गई थी, 16 जून 1963 में गए थे वेलेंटिना तेरेश्कोवा। ये फर्स्ट फीमेल थे, ये भी रशिया को बिलोंग करती है। और रशिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट सेटेलाइट, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल लॉन्च किया था इन स्पेस। बट अमेरिका ने चांद पे पहला मेल भेज कर, फर्स्ट पर्सन भेज कर बाजी मार लिया था, आदमी को भेज के अमेरिका ने बाजी मार लिया था। और राकेश शर्मा का बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन थे जो अंतरिक्ष में गए थे इंडिया की तरफ से। कब गए थे ये, तो 13 अप्रैल 1984 में ये गए थे, फर्स्ट इंडियन थे जो 13 अप्रैल 1984 में गए थे राकेश शर्मा। ये पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन हुम द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट, पानीपत का द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुआ था, या पानीपत का द्वितीय लड़ाई किसके बीच में लड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही बी सही है, अकबर एंड हेमू के बीच में पानीपत का सेकेंड बैटल हुआ था। और पानीपत का सेकेंड बैटल कब हुआ था, तो 1556 में पानीपत का सेकेंड बैटल हुआ था। और बाबर एंड लोधी के बीच में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, पानीपत का फर्स्ट बैटल कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। और अहमद शाह अब्दुली एंड सदाशिव राव भाऊ के बीच में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। और पानीपत का थर्ड बैटल कब हुआ था, तो 1761 में, पानीपत का थर्ड बैटल 1761 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का थर्ड बैटल कब हुआ था, तो 1761 में। और किसके बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दुली एंड सदाशिव राव भाऊ के बीच में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपसे पूछा था फर्स्ट बैटल, तो बाबर एंड लोधी के बीच में 1526 में हुआ था। और सेकेंड बैटल आपसे पूछता है पानीपत का, तो अकबर एंड हेमू के बीच में 1556 में हुआ था। और आपसे पूछा थर्ड बैटल पानीपत, और पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो अहमद शाह अब्दली एंड सदाशिव राव भाऊ के बीच में 1761 में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीच कनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्रशांत महासागर एंड अटलांटिक महासागर कौन सा नहर जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही आंसर पनामा कनाल, पनामा नहर ये अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। और स्वेज कनाल का बात करें तो ये स्वेज कनाल एशिया एंड अफ्रीका को अलग करता है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि एशिया एंड अफ्रीका को कौन सा नहर या कौन सा सी अलग करता है, तो रेड सी और स्वेज कनाल, स्वेज कनाल ये दो एशिया एंड अफ्रीका को अलग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी है, 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। और इसके फाउंडर मेंबर या संस्थापक सदस्य कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी, ये दो फाउंडर मेंबर थे, ये दो संस्थापक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी। और कब इसका स्थापना हुआ था, तो 6 अप्रैल 1980 में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का आपसे पूछता है, तो 6 अप्रैल 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास, इसका क्या क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही बी सही, 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पास हुआ था। इससे पहले औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, तो 1856 के बाद कुछ चेंजिंग हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति कौन थे या कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी है, ए एंड बी, एडमन हेलरी एंड तेंजिंग नोर्गे, ये दो व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले प्रथम व्यक्ति थे। और इन्होंने अपना चढ़ाई कब पूरा किया था, तो 29 मई 1953 में इन्होंने अपना पहला चढ़ाई किया था दोनों व्यक्ति ने, एडमन हेलरी एंड तेंजिंग नोर्गे। और एडमन हेनरी ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये नेपाल को बिलोंग करते हैं एडमन हेनरी। और तेंजिंग नोर्गे ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये न्यूजीलैंड को बिलोंग करते हैं। तो ये दो अलग अलग कंट्री के थे जिन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। और जिंगो तेबाई का बात करिए तो पहली फीमेल फर्स्ट फीमेल थी जो माउंट एवरेस्ट पर अपना चढ़ाई पूरी की थी। और कब इन्होंने अपना चढ़ाई किया था, तो 1975 में फर्स्ट फीमेल थी। ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, तो ये जापान को बिलोंग करती है, फर्स्ट फीमेल थी 1975 में माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी। और माउंट एवरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो इसका माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई अप्रोक्स 8848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट का। और ये किस कंट्री के बीच में माउंट एवरेस्ट, तो ये चाइना एंड नेपाल के बीच में स्थित है माउंट एवरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकल भाषा में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाता है, तो सागरमाथा, और ये चाइना नेपाल के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ सनराइज, किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी सही है, जापान को सूर्योदय का देश या लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है जापान को, क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले आता है। और इंडिया का बात करें तो इंडिया में किस राज्य को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है, तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का भी पूछता है किस स्टेट को कहा जाता है लैंड ऑफ सनराइज, तो अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि ये ईस्ट में है। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही बी सही है, कनाडा को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑन अर्थ प्लेनेट। और कनाडा का एरिया बात करें तो अप्रोक्स कितना है, तो 99,84,000 किलोमीटर² कनाडा का एरिया है। और रसिया ये लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ प्लेनेट है। और रसिया का एरिया बात करें तो 1.1 करोड़ 71 लाख किलोमीटर² है, अप्रोक्स 17 मिलियन किलोमीटर² रसिया का एरिया है, और ये लार्जेस्ट कंट्री है ऑन अर्थ प्लेनेट। और चाइना ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और इसका एरिया अप्रोक्स 95,96,000 किलोमीटर² आसपास है। और अमेरिका ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, और ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है अमेरिका। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। जैसा कि क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और इनको कब मिला था, तो 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनको किन फील्ड में मिला था, तो लिटरेचर साहित्य के फील्ड में इनको मिला था सबसे पहली बार 1913 में, और ये पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार के विजेता। और सी वी रमन ये दूसरे भारतीय थे, इनको मिला था 1930 में नोबेल पुरस्कार। और इनको किस फील्ड में मिला था, तो इनको फिजिक्स के फील्ड में मिला था। और हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने 28 फरवरी 1928 में सी वी रमन या रमन इफेक्ट को डिस्कवरी किया था, इसलिए इनके ऑनर में हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को। और इनको 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के फील्ड में। और अमर्त्य सेन इनको भी नोबेल पुरस्कार, ये भी नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, इनको कब मिला था, तो 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। और कैलाश सत्यार्थी ये भी नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, इनको कब मिला था, तो 2014 में पीस शांति के फील्ड में इनको मिला था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बट आपसे पूछा था प्रथम पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और पहले साइंस के फील्ड में पूछा जाता था, तो सी वी रमन जी को मिला था 1930 में। नेक्स्ट है, विच मौर्य रूलर्स फाउंडेड श्रीनगर, किस मौर्य शासक ने श्रीनगर का स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही सी सही है, अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया था, तो ये इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज टेलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन इसका सही बी सही है, बुर्ज खलीफा। ये विश्व का सबसे ऊंची इमारत है, और इसका ऊंचाई अप्रोक्स कितना है, तो 828 मीटर इसका इसका ऊंचाई है अप्रोक्स सी लेवल से। और ये किस देश में है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएई बोलते हैं। और ये यूनाइटेड अरब के दुबई शहर में है, क्योंकि दुबई बहुत ही फेमस सिटी है, तो दुबई को हर कोई जानता होगा। ये दुबई में है बुर्ज खलीफा, और इसका ऊंचाई 828 मीटर है। और यूएई का कैपिटल बात करें तो अबू धाबी यूएई का कैपिटल है, और बुर्ज खलीफा दुबई में है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप कोई बुक भी खरीदना चाहते हैं जैसे एप्टीट्यूड, रिज्यूमिंग या थ्योरी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आपका कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।